बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर वेलविशर्स, सैफुर रहमान का सलाम। यूं भी होता है कि सम टाइम इट इज़ वेरी गुड डे रिगार्डिंग द जॉब्स। तो आज भी एक ऐसा दिन है जिसमें बहुत सारी अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ हम आते हैं, जिसका आपको इंतज़ार रहता है। पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई की 1010 और सब इंस्पेक्टर की 438 सीट्स की रिक्वायरमेंट चेयरमैन पीपीएससी को पहुंच गई है। तो इंशाल्लाह ये जो सीट्स हैं, अब इनकी एडवर्टाइजमेंट 2 हफ्ते तक आ जाएगी। ये आपके कोटा में से हैं, लेकिन बाकी जो सैकड़ों सीटें हैं, इट्स मीन वो भी जल्द आ रही हैं, जो कि ओपन की हैं। तो ये पेशखेमा साबित होगी ओपन के लिए। तो दैट इज़ गुड एंड ग्रेट न्यूज़ फॉर माय वेल विशर। कांग्रेचुलेशन एंड बी रेडी फॉर द रिटन टेस्ट। तो सेकंड अच्छी खबर भी पुलिस के मुतलका जॉब से मिलती जुलती कारपोरल की हैं। 467 सीट्स, जिसमें माइनॉरिटी की 23 सीट्स हैं। एजुकेशन बीए है। कद आपके लिए आपको पता है 5 फुट 7 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच, और चेस्ट का भी 33 और 34.5 इंच, और जबकि वीजन आपकी 6x6 होनी चाहिए। एज 18 से लेके 25 सीट्स। तो इनकी एडवर्टाइजमेंट इज़ क्वाइट रेडी एंड दे आर विद यू, दे विल बी विद यू इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स। तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर माई ऑल वेल विशर हु आर ग्रेजुएट एंड वॉन्ट टू परफॉर्म इन लाइफ। तो आपको भी तैयार रहना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी जॉब आ रही हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हैं आपके लिए। एक तो आपको पता चल चुका होगा कि आपके जो असिस्टेंट के आलमोस्ट ग्रेड 16 के सीट्स थे टेस्ट, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फीमेल की भी 7 सीट्स थी, 20 और 21 को होने जा रहे थे और 27 और 28 को, वो तमाम पोस्टपोन हो गए हैं। और ये अब कब होंगे? तो मैं तो समझता हूँ कि मिड फरवरी के बाद ही होंगे, दरमियान में नहीं होने वाले, क्योंकि इलेक्शन और मौसम और हालात कुछ मिलजुल गए हैं। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट न्यूज़। मिनिस्ट्री कोटा के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और शॉकिंग न्यूज़ भी आई है, लेकिन इसमें एक ख़तरा है कि देर विल बी अ क्लैश बिटवीन हाई कोर्ट एंड एसएनजीडी डिपार्टमेंट, क्योंकि एसएनजीडी ने रिक्वायरमेंट जो है वो विदड्रॉ कर ली है, जबकि हाई कोर्ट का ये डायरेक्शन थी एडिशन चीफ सेक्रेटरी साहब को कि जो मौजूदा हालात में जो सिविल मुलाजमीन ने रिट की हुई है 5% के हवाले से, उसका रिटर्न टेस्ट होना चाहिए, और बाद में जो सीट्स आएंगी उसके लिए जो इलेक्टिव हुकूमत होगी वो रूल्स और जो भी बाकी मामलात हैं परसेंटेज के वो फाइनल कर लेंगे। लेकिन एडिशन चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिक्वायरमेंट वापस मांग ली है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो इसी सोल्यूशन पे आना चाहिए, जो सिविल मुलाजमीन हैं उन्हें डिफेंड करना चाहिए और हाई कोर्ट को इस सिलसिले में बाखबर करना चाहिए और अपने लिए फेवर मांगने चाहिए, तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त सीट थी। एक फेक न्यूज़ उड़ी हुई है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं आनी 30 जून तक, और फिर अब जो आगे आनी है वो पीएमएस की जो है वो इम्तिहान होंगे जनवरी से लेके जून तक। दैट इज़ क्वाइट फेक न्यूज़, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप परेशान मत हों। रिक्वायरमेंट जारी हैं, आपको मालूम है आज भी रिक्वायरमेंट चले गई, 2 दिन पहले भी रिक्वायरमेंट गई, तो अब भी इंशाल्लाह जाएंगे। तो दैट इज़ आल्सो गुड न्यूज़, नॉट बैड न्यूज़। और जिन्होंने ये खबर फैलाई है वो बैड न्यूज़ थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ये माय डियर वेल विशर कुछ अच्छी खबरें और कुछ अच्छे मामलात
कनाल पटवारी का जो अक्टूबर में टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। जो लोग कामयाब हुए उन तमाम को कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। उन्हें अब टाइप टेस्ट की तैयारी करना चाहिए जो दो हफ्ते में हो सकता है। और मज़ीद जो रह गया जो दिसंबर में हुआ था गालबन 10 दिसंबर को, वो भी इंशाल्लाह जनवरी मिड फरवरी तक उनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो ये माय डियर वेलविशर ये ख़बरें होंगी आपके लिए, जो कि बहुत ही अच्छी ख़बरें हैं और बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं। तो आप तैयारी कीजिएगा। अब कुछ और मामला पे मेरे वेलविशर ने पूछा है कि एएसएफ का जो टेस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर का, तो माय डियर वेलविशर ये जो फेडरल सर्विस कमीशन है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेता है ग्रेड 17 का ज़रूर, जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए मेरे ख्याल में वो एमसीक्यू होंगे। ड्रीमर्स के हवाले से मेरी को वेलविशर है, उन्होंने पूछा था कि ये कितनी सीट्स हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स की, तो वो माई वेलविशर वो 24 सीट्स हैं। पहले शायद मैंने 23 बताई थी, तो 24 सीट्स हैं। इसके अलावा इसमें माइनॉरिटीज़ की 11 भी हैं और एक्साइज इंस्पेक्टर की भी सीट्स मौजूद हैं। तो ये फिर खासी सीट्स होंगी आपके लिए मेहनत करने के लिए, आपके लिए कोशिश करने के लिए। तो आप इस कोशिश में लगे रहें। तो विजय साहब ने ये भी कहा है कि जो ये लेक्चरर भर्ती होने जा रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में या एसएस, तो क्या ये 5 साल के लिए होंगे? ये स्पेशल एजुकेशन में कभी भी ये 5 साल के लिए नहीं होते, ये परमानेंट होंगे और ये ट्रांसफरेबल भी होंगे। इसलिए आप इसकी तैयारी करें और अच्छी जॉब दें, अगर आप उसे हासिल कर लेंगे तो इट विल बी ए गुड लक फ्रॉम योर साइड। तो ये माय डियर वेलविशर खबरें आप तक पहुंच गई। मज़ीद कुछ ख़बरें हैं लेकिन वो हम कल और परसों पर छोड़ते हैं। आखिर मैंने आपसे यही कहना है, जो कि अक्सर कहता हूँ कि आईजी जो है वो तकब्बर से दूर रखती है इंसान को। अगर आप तकब्बर से दूर रह जाएंगे तो इंशाल्लाह आप शिरक से भी दूर रह जाएंगे और अल्लाह पर ईमान आपका पुख्ता हो जाएगा। जब ईमान पुख्ता हो जाएगा तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।